भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान की आय 2022 तक दोगुना करने का जो संकल्प रखा है, लक्ष्य रखा है, उसको माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में हमने 21 में ही पूरा कर लिया है। चना, सरसों और मसूर जो गेहूं के पहले आती है, साथ में आती फसल है। चना पहले आ जाता लेकिन खरीदा जाता था जून जुलाई में। 86% छोटे किसान है वो मंडी में औने पौने भाव पे बेचते थे, 1000 से 2000 रुपये क्विंटल कम में। मुख्यमंत्री शिवराज जी के मार्गदर्शन में हमने निर्णय लिया है कि चना, सरसों, मसूर भी गेहूं के साथ खरीदेंगे समर्थन मूल्य पे। 5100 रुपये समर्थन मूल्य चने का, जो अभी 3400 से 4000 बिक रहा है, वो अभी 5100 से कम। किसान से भी अपील कर रहा हूँ, नहीं बेचें, समर्थन मूल्य पे हम खरीद रहे हैं, आप उस पर ही बेचें ताकि आपको लाभ हो। और इसलिए 80 लाख मेट्रिक टन चना, सरसों, मसूर होगा मध्य प्रदेश में संभावित है। इसका मतलब हुआ 8 करोड़ क्विंटल, 1000 रुपये मिनिमम भी अगर उसको हम ज़्यादा देने में सफल हुए तो 8000 करोड़ किसान की जेब में जाएगा। 8000 करोड़ से 16000 करोड़, 20000 करोड़ जो व्यापारियों की जेब में जाता था। और इसलिए इसी साल हमने 21 में ही प्रधानमंत्री जी का संकल्प लक्ष्य पूरा कर दिया है। किसान की आय मध्य प्रदेश में दोगुना करने जा रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व।